अगर आप भी जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच चौथे टेस्ट मैच के पांचवें दिन श्रीलंका को जीतने के लिए मात्र चाहिए थे 9 रन, तब जसप्रीत बुमराह के साथ मिल अश्विन ने एक साथ 5 विकेट लेकर पलट दिया पूरा मुकाबला, तो रविंद्र जडेजा भी नहीं रहे पीछे। दिखाई मैदान पर ऐसी चमत्कारी गेंदबाजी जिसे देखकर रोहित कोहली तक के उड़ गए होश। तो दोस्तों, आखिर कैसे बिल्कुल आखिरी ओवर की अंतिम गेंद पर हमें मिला एक मैच का चैंपियन। भारत और श्रीलंका के बीच चौथे टेस्ट मैच के पांचवें दिन की पूरी हाईलाइट हम आपको वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा में से कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबरी पर खड़ी थी और चौथे टेस्ट मैच के 4 दिनों का रोमांचक मुकाबला एक कांटे के मोड़ पर पहुंच गया था। ऐसे में चौथे टेस्ट का अंतिम और निर्णायक 5वां दिन यहाँ आर प्रेमदासा स्टेडियम पर खेला गया, जहाँ आखिरी दिन श्रीलंका की टीम को जीतने के लिए मात्र 168 रन की जरूरत थी और भारत को जीत के लिए श्रीलंका के सभी 10 विकेट चटकाने थे। अब दोस्तों, टीम इंडिया पर तो दबाव था क्योंकि भारत की टीम के आगे श्रीलंका के बल्लेबाज आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे में टीम इंडिया ने भी कभी तगड़ा पलटवार किया और हालात ये आ गए थे। यहाँ पर अंत में जाकर मुकाबला ऐसा फंस गया कि भारत को जीतने के लिए 1 विकेट चाहिए था और श्रीलंका को मात्र 9 रन मैच जीत के लिए चाहिए थे। जी हाँ दोस्तों, तो अंतिम ओवर जसप्रीत बुमराह का देखे बिना तो आप भी कहीं मत जाइएगा। हुआ यह था कि रोहित शर्मा ने सभी रणनीति लगा ली, सारे पैंतरे आजमा लिए। दरअसल दोस्तों, जब रोहित शर्मा ने इस मुकाबले के पहले दिन टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, तब भारत के कप्तान रोहित शर्मा की शतकीय बल्लेबाजी के बलबूते पर टीम इंडिया ने 440 रन बनाए थे और दोस्तों, फिर जवाब में उतरी श्रीलंका की टीम ने यहां पर भारत के खिलाफ 375 रन बनाकर इस मैच को पूरी तरह से पलट दिया था और भारत के हाथ में बस बढ़त छोड़ी थी 65 रन की। अब दोस्तों, ये तो समझ आ चुका था कि इस पिच पर बल्लेबाजों को काफी मदद है गेंदबाजों के कंपैरिजन में, लेकिन दोस्तों, फिर भारत की जब दूसरी पारी शुरू हुई तो टीम इंडिया को बस यही सोचना था कि 500 के पार कैसे स्कोर को पहुंचाया जाए। और दोस्तों, भारत की टीम ने यहां श्रीलंका के आगे 544 रन का लक्ष्य भी रख दिया, लेकिन यह स्कोर भी कम पड़ जाएगा इसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। दरअसल दोस्तों, हुआ यह कि श्रीलंका की टीम ने चौथे दिन का मैच समाप्त होने तक एंजेलो मैथ्यूज की शतकीय और दिनेश चांदीमल की अर्धशतकीय पारी के बलबूते पर 360 रन बना दिए थे। हालांकि यहाँ पर दिन के अंत तक इन दोनों बल्लेबाजों का विकेट भी गिर चुका था, लेकिन दोस्तों, भारत की टीम को तो मुकाबला जीतने के लिए अब 10 विकेट चटकाने बेहद जरूरी थे। अब यहाँ 5वें दिन का गेम जब शुरू हुआ तो यहाँ श्रीलंका के लिए पारी की शुरुआत करने प्रभात जयसूर्य और कमिंडो मेंडिस उतरे, जहाँ दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए स्कोर को आगे बढ़ाने का और श्रीलंका को जीतने के लिए आज 5वें दिन 184 रन और चाहिए थे और हाथ में उनके 5 विकेट बचे हुए थे। 5 विकेट जो श्रीलंका के गिरे थे उसमें से 3 विकेट अश्विन के नाम रहे तो वहीं 2 विकेट जडेजा ने चटकाए थे। अब दोस्तों, 5वें दिन कमिंडो मेंडिस और प्रभात जयसूर्य ने मिलकर इस मुकाबले को लगभग पूरी तरह से पलट दिया। यहां पर दोनों बल्लेबाज यही कोशिश कर रहे थे कि किसी भी हाल में बस अपना विकेट न खोया जाए और 5वें दिन जो 100 ओवर मिल रहे हैं उनका पूरा फायदा उठाया जाए। अब दोस्तों, जसप्रीत बुमराह का एंकल मुड़ जाने की वजह से वह दूसरी पारी में बस 1 ही ओवर डालकर रिटायर्ड हर्ड हो चुके थे, लेकिन दोस्तों, अब रोहित शर्मा को समझ आ चुका था कि जसप्रीत बुमराह के बिना यहाँ कोई भी गेंदबाज विकेट नहीं ले पाएगा। ना तो कुलदीप यादव को विकेट मिल रहा था, ना अश्विन को, और मोहम्मद शमी भी काफी फेल होते हुए नजर आ रहे थे। अब दोस्तों, 184 रन बनाने हों और तभी जसप्रीत बुमराह को बुलाया गया बीच मैदान पर, जहां बुमराह को न सिर्फ ये स्कोर को रोकना था बल्कि अपनी टीम को जिताना भी। तब जसप्रीत बुमराह आए और उन्होंने आते संग कमिंडो मेंडिस का विकेट गिरा दिया, जो कि इस मुकाबले में 56 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि कमिंडो मेंडिस के आउट होने के तुरंत बाद मैदान पर उतरे धनंजय डी सिल्वा, जहां धनंजय के और प्रभात जयसूर्य के बीच साझेदारी आगे बढ़ पाती है। उससे पहले इसी 48वें ओवर की छठी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने धनंजय डी सिल्वा को भी आउट कर दिया, जो कि मात्र 2 रन बनाकर ही चलते बने। अब दोस्तों, यहां श्रीलंका की टीम ने 7 बड़े विकेट गवा दिए थे। भारत की टीम लगभग वापसी करती हुई नजर आ रही थी, अब 3 विकेट मात्र शेष बचे हुए थे भारत को जीतने के लिए। लेकिन दोस्तों, जिस बात का डर था बीच मैदान पर वही हुआ, जहां जसप्रीत बुमराह ने तो आकर अपना काम कर दिया, लेकिन सामने कोई भी गेंदबाज विकेट लेने के बजाय रन ही पड़वा रहे थे और जिसका कामयाजा ये हुआ, प्रभात जयसूर्य ने इस मुकाबले में 74 रन की पारी खेल डाली और श्रीलंका की टीम लगभग जीत की दहलीज पर खड़ी हुई थी। अब दोस्तों, एंकल मुड़ जाने के बाद जो जसप्रीत बुमराह ने फैसला किया कि वो एक और ओवर डालेंगे और यहाँ बुमराह ने आते ही 66वें ओवर की पहली गेंद पर प्रभात जयसूर्य को मिडल स्टंप पर गेंदबाजी करवाई और प्रभात जयसूर्य बिल्कुल स्टंप के आगे आ खड़े हुए।
जहां एम्पायर ने तो फैसला किया कि प्रभात आउट है, लेकिन डीआरएस लेने के बाद ये पाया गया कि प्रभात जयसूर्या का डीआरएस लेने का फैसला व्यर्थ है और वो सही में आउट थे। और यहां एलबीडब्ल्यू आउट हो जाने के बाद प्रभात जयसूर्या के रूप में श्रीलंका की टीम को ये 8वां बड़ा झटका लगा और 74 रन श्रीलंका के लिए प्रभात ने बनाए। अब दोस्तों, श्रीलंका को मात्र इस मुकाबले में जीतने के लिए 56 रन की जरूरत थी और यहाँ विश्वा फर्नांडो के साथ अशिता फर्नांडो मैदान पर टिके हुए थे और भारत को मैच जीतने के लिए 2 विकेट शेष और चाहिए थे। अब दोस्तों, अगला विकेट नाम हुआ रविंद्र जडेजा के। जडेजा ने विश्वा फर्नांडो को हाथ खोलने का मौका दिया और डीप कवर्स पर खड़े विराट कोहली ने ये शानदार कैच लपक कर श्रीलंका की टीम को 9वां बड़ा झटका दिया और विश्वा फर्नांडो को इस मुकाबले में 19 रन बनाकर आउट किया। अब दोस्तों, श्रीलंका को 37 रन मात्र चाहिए थे और भारत को मैच जीतने के लिए 1 विकेट। अब मुकाबला पूरी तरह से फंस चुका था। यहाँ पर हर एक गेंद के बाद रोहित शर्मा जाकर जसप्रीत बुमराह को बता रहे थे कि आप किस लेंथ पर गेंदबाजी करो कि हमें विकेट मिल जाए, लेकिन दोस्तों विकेट मिलने की वजह यहां रन धीमे धीमे आगे बढ़ते चले जा रहे थे। असिता फर्नांडो और लहरू कुमारा मिलकर स्कोर को धीमे धीमे आगे बढ़ाते हुए लगभग नजदीक लेकर आ गए और यहां दोनों बल्लेबाजों ने 20 रन की साझेदारी कर डाली। अब यहां श्रीलंका को मैच जीतने के लिए बस 17 रन चाहिए थे और विकेट मिलने का नाम भी नहीं ले रहा था। जब दोस्तों यहां अगर श्रीलंका के खिलाफ विकेट भारत को चाहिए था तो एक नई रणनीति रोहित शर्मा ने बनाई, जहां उन्होंने सभी खिलाड़ियों को 30 यार्ड के सर्कल के अंदर ही रख दिया और बस 2 खिलाड़ी बाउंड्री के बाहर खड़े रहे। अब दोस्तों यहां बल्लेबाजों पर प्रेशर था, एक एक रन फूंक फूंक कर वो भाग रहे थे, लेकिन दोस्तों यहां अब स्कोर और नजदीक पहुंच गया, 8 रन और हो गए इन दोनों की साझेदारी में। अब श्रीलंका को मात्र 9 रन चाहिए थे इस मुकाबले में जीतने के लिए और दोस्तों भारत की टीम को शेष 1 विकेट। अब यहां मैच में इतना पेचीदा हो चुका था कि रोहित शर्मा ने आखिरकार जसप्रीत बुमराह को एक और ओवर करवाने के लिए बुला लिया। जी हां दोस्तों, जसप्रीत बुमराह इंजरी हो जाने के बावजूद भी इसको भांपते हुए भी वहीं रुक नहीं रहे थे और वो अपनी टीम को जिताने की पूरी कोशिश कर रहे थे और जसप्रीत बुमराह ने आखिरी विकेट लेकर श्रीलंका की टीम को इस मैच में रोमांचक मैच में हार थमा दी। और यहां लहरू कुमार अंदर आती हुई यॉर्कर लेंथ की गेंद को समझ नहीं पाए और सीधा उनकी गिल्लियां उखड़ गई। यहां 10वां विकेट जसप्रीत बुमराह के नाम रहा, जहां इस दौरान बुमराह ने 4 बड़े विकेट हैट्रिक के तौर पर हासिल किए तो 3 विकेट जडेजा ने लिए थे और 3 विकेट अश्विन के नाम रहे। तो ऐसे में दोस्तों यहां भारतीय टीम ने इस रोमांचक मुकाबले में मात्र 8 रन से जीत हासिल की और टीम इंडिया ने यह मुकाबला जीतकर पूरी दुनिया को बता दिया कि वो किसी से हारने वाले नहीं है। बाकी हम आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच ये खेला गया इंट्रा स्क्वाड और अभ्यास सत्र का 5वां दिन का मुकाबला था जो कि आज समाप्त हुआ। और अब आप सभी की क्या राय है भारत की ऐसी गेंदबाजी को देख लेने के बाद, और आप बुमराह, अश्विन और जडेजा में 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे इस गेंदबाजी के लिए, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।